नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मायावती से जुड़ी खबर हमारे पास आ रही है। जी हां, मायावती पर सनसनीखेज आरोप लगा है और ये आरोप किसी और ने नहीं, उनके ही पार्टी के विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने लगाया है। राजेंद्र गुढ़ा आपको बता दें राजस्थान से बसपा के विधायक हैं और जो बात राजेंद्र गुढ़ा ने कही उसके बाद ये देखना होगा कि मायावती का रिएक्शन क्या है। गंभीर आरोप लगे हैं मायावती पर, पैसे लेकर टिकट देती है मायावती। जी हाँ, हम नहीं कह रहे हैं, उनके ही पार्टी के विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने कहा है और कहीं और नहीं। राजेंद्र गुढ़ा ने ये बात राज्य विधानसभा भवन में विधायकों के सेमिनार में एक सत्र के दौरान ये बात कही है। उनका कहना था, जैसे ही वो बोल रहे थे उनका दर्द झलक रहा था। उनका कहना था कि पैसे से चुनाव प्रभावित होता है, गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं। साफ तौर पर मायावती पर आरोप लगाया कि हमारी भी पार्टी पैसे लेकर टिकट जो है वो देती है और मायावती भी यही करती है। उन्हें कोई ज्यादा पैसे दे तो शायद वो उनका टिकट भी काट देती और अगर कोई तीसरा व्यक्ति आकर उससे भी ज्यादा पैसे दे तो मायावती वो टिकट तीसरे व्यक्ति को दे देंगी। अब रिएक्शन फिलहाल मायावती का नहीं आया है और हम इंतजार कर रहे हैं कि मायावती का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि ये आरोप, ये जो गंभीर आरोप लगे हैं, ये हम नहीं कह रहे, उनके ही पार्टी के विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने, और वो भी राज्य विधानसभा में जब विधायकों का सत्र चल रहा था उस दौरान उन्होंने अपनी ये दर्द, ये पीड़ा बयान की है कि किस तरह से बसपा में पैसे लेकर टिकट दिया जाता है।